ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, अधिकांश घरों में टीवी सीरियल्स देखे जाते हैं। उन टीवी सीरियलों में एक चीज हम आम हर सीरियल में देखते हैं कि जो होता है किसी एक विषय को लेकर, किसी एक बात को लेकर कोई व्यक्ति किसी को ब्लैकमेल करता है। और ऐसी ही ब्लैकमेलिंग हमारे समाज में कुछ परिवारों में कुछ लोग और भी करते हैं, और इन ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर कभी कभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को हमने देखा आत्महत्या तक कर लेते हैं, और कई बार इतने परेशान हो जाते हैं, इतने दबते चले जाते हैं कि गलत बात सही उनको कुछ समझ में नहीं आता, बस हर बात मानते चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, परिवार के भी होते हैं, समाज में भी होते हैं। वो कहते हैं हम आपके बच्चों को ऐसा बता देंगे, हम कुछ कहते हैं आपके पति को, आपकी पत्नी को, अर्थात किसी ना किसी रूप में लोग एक दूसरे ब्लैकमेल करते हैं। और जो व्यक्ति ब्लैकमेल हो रहा है वो कुछ खोने की डर से ब्लैकमेल होता चला जाता है। मित्रों, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, यदि आपने अपने संबंधों की नींव झूठ पर रखी है तो जिस दिन सच खुलेगा, यानी कि झूठ हटेगा, उस दिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। इसलिए जब संबंध बनाने जा रहे हैं, किसी से भी आप संबंध बनाने जा रहे हैं, कैसा भी संबंध आपका बनने जा रहा है, विवाह का हो या पारिवारिक हो, कुछ भी हो, आप उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सच्चाई के मार्ग पर चलें। मित्रों, कई बार लोग घरों में ब्लैकमेल करते हैं कि आपके बच्चों को हम आपका ये सच बता देंगे। यदि आप ऐसे काम कुछ कर चुके हैं तो पहले अपने बच्चों का सामना करिए। मित्रों, एक बात, यदि आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो एक बात ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो बात आपके परिवार में, यानी कि आपकी जिससे वो आप छुपाना चाहते हो, उसके सामने कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। और हमने सीरियलों में भी देखा, जब ये बात कहीं से घुमा फिरा के सामने आती है तो एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। वैसा ही हंगामा कहीं आपके घर में भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, आप एक सिंपल सा काम करें, जिस व्यक्ति को लेके आपको डराया जा रहा है उस व्यक्ति को अपने विश्वास में लीजिए, उसको बताइए कि आप उसके हितैषी हैं, उसको बताइए कि आपने कुछ गलतियां कर दी थी, लेकिन आप उन गलतियों से बाहर निकलना चाहते हैं, आप उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मित्रों, एक बात, यदि वो पारिवारिक सदस्य आपसे प्यार करते हैं, हाँ भले आपने कितनी भी बड़ी गलती कर ली हो, लेकिन थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा दिन नाराज रह सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ आपका साथ देंगे। और दूसरी बात, यदि ना भी दें पर जो तीसरा व्यक्ति, बाहर वाला व्यक्ति, यदि उनको कुछ बताता है तो उनको अधिक बुरा लगेगा, और वो हो तब तो वो पक्का आपसे किनारा कर जाएंगे, पर यदि आप बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने संबंधों को बचा सकते हैं। इस और विशेषकर ऐसे जो ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे लोगों को आप अंगूठा दिखा सकते हैं। हम यहाँ लाइक नहीं, इसको ठेंगा दिखाना बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको हम पसंद करना नहीं बोलते, ठेंगा दिखाना। हमारे यहाँ जब बचपन में हम छोटे थे, बचपन में हर कोई छोटा ही होता है, तो हम ठेंगा दिखाया करते थे ऐसे, आज उसको पसंद माना जाता है, अलग है। पर हाँ, आप जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसको आप सीधा सा रास्ता दिखा दीजिए कि हमने अपना बात क्लियर कर ली है, अब आपको जो करना है कर सकते हैं, इससे कई लाभ होंगे। मित्रों, एक बात, सबसे बड़ा काम, जिससे आप डर रहे थे आपका डर निकल जाएगा। दूसरी बात, आप जो मानसिक तनाव झेल रहे थे उस तनाव से आप बच जाएंगे। और तीसरी बात, आपने सच्चाई बता दी है तो जिनको आपने सच्चाई बताई है उनके सामने, जिनके सामने आपको सच्चाई खुलने का डर लग रहा था, अब वो खुल चुकी है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं बचती है। और सबसे अच्छा काम ये होता है कि उसके बाद आप उस गलती को नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब ये सच बता चुके हैं तो आप अपने भीतर से प्रेरित हो जाते हैं कि अब मुझे आगे से गलती नहीं करनी है। और आप उनसे एक वादा करिए, एक प्रॉमिस करिए कि अब आगे से कभी भी आपसे ऐसी भूल नहीं होगी। मित्रों, एक बात, हर अपना अपने का साथ देता है, हर अपना अपनों की गलती क्षमा करता है, बस वो इतना कह दे, इतना कर दे, कहने से ज़्यादा करना होता है कि हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई थी, हमसे चूक हो गई थी, यदि आप हमें क्षमा कर दें तो हम पुनः एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं, और आगे से कभी मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी या करूंगा, तो कभी भी परिवार में विवाद नहीं होते हैं और परिवार बच जाते हैं। मित्रों, परिवार बचाने के लिए, ब्लैकमेलिंग बचाने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी अनिवार्य होती हैं। और मित्रों, आज हम देखते हैं, क्योंकि सीरियलों ने बहुत कुछ हमें सिखाया, फिल्मों ने बहुत कुछ हमें सिखाया, अच्छा कम बुरा ज़्यादा सिखाया है,
अच्छी शिक्षाएं लोगों ने कम ली हैं, बुरी शिक्षाएं ज़्यादा ली हैं। तो यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो सामना करिए अपनी स्थितियों का, क्योंकि जब तक आप सामना नहीं करेंगे आपको डर लगता रहेगा। सामना करेंगे, सामना करने के बाद एक बार जब सामना हो जाएगा तो आपका मस्तिष्क, आपका मन सब हल्का हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो कुंठा, जो तनाव, और जो एक क्या होता है ना कि जब तक आप झूठ का अंडम्बर ओढ़ के रखते हैं तब तक ही आपको तनाव में रहना होता है। सच्चाई के साथ तो सब चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। और यदि आपको सामर्थ्य नहीं मिल रहा है, मानसिक आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट है मनन क्रिया संभव है अवसाद, इनके वीडियोस देख लीजिए। और हमारी प्लेलिस्ट है परिवार समाज, उनके भी वीडियो आप देख सकते हैं, कि वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके पारिवारिक स्थितियाँ क्या होनी चाहिए, सामाजिक स्थितियाँ क्या हैं वगैरह, बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेगी और मन मजबूत करने का आपको साधन मिलेगा। और उसके अलावा कोई रोग है तो और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने दे रखी हैं, उनमें अपने रोग अनुसार वीडियो चुन सकते हैं। और हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम के वीडियोज़ दिए हुए हैं, और हर समस्या का समाधान नियम पालन प्राणायाम से हो जाता है, ऐसा हमने देखा है, हमारे अनुभव की बात है ये। तो यदि आपने रोग अनुसार वीडियो चुन के, अपनी स्थिति अनुसार वीडियो चुन के आप नियम पालन प्राणायाम करते हैं तो अपने हर रोग को ठीक कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। और मुझसे बात करनी है तो नियम पालन प्राणायाम की वीडियोज़ में मेरा नंबर है, लेकिन नियम पालन प्राणायाम किए बिना कॉल ना करें, निर्देश पुनः वहीं मिलेगा। तो आप करें, आपको लाभ होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।